क्या कर रही हो अम्मा? मैंने मना किया है ना, छोड़ो इसे। घर देख कैसे कबाड़ खाना बना के रखा है तूने। मेरा कमरा है अम्मा, मेरी जैसी मर्जी मैं वैसे रखूंगा। ऐसा नहीं होता है अभय, मैं कबाड़ी वाले को बुलाती हूँ, अरे चार पैसे तो मिल जाएंगे और तेरा कमरा इंसानों वाला लगेगा। कोई भी नहीं आ रहा इस कमरे में और तुम भी नहीं। अपने बाकी घर को बनाओ जो इंसानों वाला घर बनाना है, मुझे बख्श दो। और हाँ, जब बाहर जाओ तो दरवाजा बंद कर देना। सीरियस उसके बारे में? यू मैड ओवर? नहीं यार। तुझे पसंद है तो तू रख ले। क्यों? मैं क्यों बताऊं? तूने बताया था मुझे लास्ट टाइम। हाँ अदिति, खाना ठंडा हो रहा है। ओके मम्मा आ गई, आई कॉल यू। ओके मम्मा, आप दरवाजा लॉक करके भी आ सकते हैं ना। पहले तो आप मुझे बोलते कि अंदर से दरवाजा लॉक मत करो, फिर ऐसे अचानक से आ जाते हैं। अपने घर में आने के लिए परमिशन चाहिए, और अचानक से मतलब 3 बार आवाज दिए तुझे। पर मम्मा कान में हेडफोन्स थे ना। ये तो हेडफोन्स कब नहीं होते हैं। चलो जल्दी आ जाओ आप। अदिति वैसे मम्मा सही कह रही है, दोस्ती हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। पापा प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाओ प्लीज। अदिति फ्रेंकली कहूँ ना, तेरे ग्रुप के कुछ लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा मैं आप और पापा की तरह क्लास देख के फ्रेंडशिप नहीं करती हूँ, और वैसे भी मैं 21 साल की हूँ, आई एम फ्री। अदिति हमने तुम्हें कभी बांध के रखा भी नहीं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपने लिए जिम्मेदार रहो, ध्यान रखो अपना बस। पापा मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, वो कोई गैंगस्टर या टेररिस्ट नहीं है। हम भी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ फ्रेंड्स तेरे बहुत ही वाहियात जोक्स भेजते हैं, आई डोंट लाइक इट। हाँ आपने मेरे मैसेजेस चेक किए? पासवर्ड कहाँ से मिला आपको? दिन के 26 घंटे तू टिक 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 करके मैसेज ही तो करती रहती है। उस दिन जब तू पढ़ रही थी ना तो तेरे पीछे ही खड़ी थी मैं, तब देख लिया था मैंने। और हाँ वो जो जोक भेजा था ना, बेहद वाहियात था, और तुम खी खी करके हंस रही थी। बट मम्मा इस तरीके से किसी के मैसेजेस पढ़ना गलत नहीं, इलीगल भी है। माओ पे ये सब लागू नहीं होता, नो कानून फॉर माओ। एक मिनट, अब तुम्हारी गर्मा गर्मी में खाना फिर से ठंडा हो गया। मम्मा आपकी खैर नहीं है, मैं आपको देख लूंगी। तुम मुझे देख लियो। ऐसे ही हंसते मजाक करते हुए अदिति जब अगले दिन अपने घर से निकली तो उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। अदिति घर से निकली, रविवार का दिन था, सुबह के 11 बजे थे। अदिति लंच पे घर आने वाली हो ना? अदिति लंच पे घर आने वाली हो ना? ओह हाँ। नहीं मम्मा, हम लोग पहले शॉपिंग पे जाएंगे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स के साथ ही थोड़ा कुछ खा लूंगी, फिर हैंग आउट करेंगे, फिर शाम को आ जाएंगे। ओके ठीक है, लेकिन 3:30 तक आ जाना। तेरे पापा ने कोई मूवी देखने का प्लान बनाया शाम को। ओके तो 4 बजे तक आ जाऊंगी। अदिति 3:30 बजे। ओके 3:30 जाते जाते ना पापा का कोट लॉन्ड्री में देते हुए जाना। ओके हाँ, और उसको बोलना अच्छे से लॉन्ड्री करेगा। हाँ सैटरडे को पापा का सेमिनार है। ओके ये ले बेटा, उसको बोलना वेडनेसडे तक रेडी चाहिए। हाँ आदिति इसको निकाल काम से, उसको बोलना वेडनेसडे तक रेडी चाहिए। ओ ओके बाय बाय। अंकल ये लीजिए, वेडनेसडे तक रेडी कर दीजिएगा, और मम्मा ने बोला है कि थोड़ा संभाल के ड्राई क्लीन करेगा। लगता है राजेंद्र साहब का फिर से कोई कॉन्फ्रेंस आ रहा है। जी ठीक है अदिति, बुधवार तक कोर्ट को चमका देते हैं। हाँ Thank you.
स्विच ऑफ? स्विच ऑफ तक होता नहीं है कभी इसका फोन। The number you have called is currently switched off. अभी तक स्विच ऑफ है। हाँ बोलो नलिनी। तुम्हारी लाडली अभी तक फोन स्विच ऑफ करके बैठी हुई है। 4:15 हो रहे हैं पता है? तुमने सुबह से 10-20 फोन कर दिए होंगे। अरे बाबा सुबह से एक भी फोन नहीं किया। ए, फोन तो छोड़ो SMS तक नहीं किया। अरे उसका फोन आउट ऑफ कवरेज होगा। अदिति अपना फोन स्विच ऑफ करती कहाँ है? 24 घंटे तो फोन पे लगी रहती। लेकिन शॉपिंग मॉल में नेटवर्क कब नहीं होता ये बताओ। मैं अभी घर आ ही रहा हूँ ना, देखना मेरे आने से पहले वो पहुँच जाएगी। ओके। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अदिति घर नहीं आई, लेकिन आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। रिवाइंड करते हैं सुबह 11:15 लॉन्ड्री में कोट देने के बाद अदिति एक लड़के के साथ बाइक पर कहीं चली गई। अदिति के पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था कि वो किसके साथ कहां गई। ये मीटिंग अदिति और सिर्फ अदिति ने प्लान की थी। क्या हुआ? अभी तक स्विच ऑफ है? हाँ। इतनी देर तक तो कभी भी स्विच ऑफ नहीं रखती। उसको पता नहीं था कि 3:30 बजे घर आना है। अरे भूल गई होगी, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बिजी होगी। एक बात कहूँ राज? मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है कि हमारी बेटी इतनी बेपरवाह, इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है। केयरलेस और केयर फ्री में फर्क होता है, ये जनरेशन अलग है। कम ऑन राज, जो बात गलत है ना वो गलत है, चाहे फिर वो कोई भी जनरेशन। अदिति अभी बच्ची है और ये सब बचपन में नहीं होगा तो कब होगा? अरे 21 साल की हो गई है, 21 साल बच्ची होती है और उसको नहीं पता कि मुझे कितनी टेंशन हो जाती है। अरे कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मन में। चलो फोन नहीं कर सकती थी, कम से कम एक SMS तो कर देती। अरे रिलैक्स नलिनी, वो आ जाएगी, तुम चाय पियो। आप ही ने सर पे चढ़ा के रखा है उसको। अब उसका गुस्सा तुम मुझ पर क्यों उतार रही हो? कम ऑन यार, एज ऐसी हो जाता। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. अदिति इतनी देर तक अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखती। सुनो राज, मेरा बहुत दिल घबरा रहा। अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, अगर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था तो अपने किसी फ्रेंड के फोन से तो कर सकती थी। तुम्हें पता अपने कौन से फ्रेंड्स के साथ गई थी वो? डिटेल्स देती है क्या आपकी बेटी कभी? बस इतना कह के गई थी कि फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है। एक काम करो, तुम्हारे पास उसके जितने भी फ्रेंड्स के नंबर है ना मुझे दो।
सुनो ना, एक बार फिर से ट्राई करो। हाँ। थैंक गॉड रिंग हो रहा है। मैं कह रहा था ना फोन करेगी, हम लोग बिना बात टेंशन ले लेते। हेलो अदिति, कहाँ हो बेटा? हेलो अदिति, अदिति तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हेलो अदिति, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, तुम कौन हो भाई? अदिति से बात करवाओ मेरी, उसे बोलो उसके पापा का फोन है। अदिति कहाँ है? वो बात नहीं कर सकती। क्यों, क्यों बात नहीं कर सकती? मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? थोड़ी बीमार है। क्या हुआ, क्या उसे? कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हो? NM सिविल हॉस्पिटल। लेकिन तुम उसके दोस्त हो, उसके बाकी के दोस्त कहाँ हैं? उसको लग गई। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, अरे क्या हो गया? अरे पता नहीं, कोई लड़का था, वो बोल रहा था कि उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे लड़का कौन है जिससे आप बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, हम चलते हैं, NM सिविल हॉस्पिटल बोल रहा था। चलो जल्दी से। एक तो ये फोन नहीं उठा रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो NM हॉस्पिटल क्यों लेके गए उसे, वो तो शॉपिंग मॉल से बहुत दूर नहीं है। अरे सब दोस्त मिलकर हॉस्पिटल के आसपास कहीं गए होंगे, उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा, अब बाकी जो भी है वहाँ जाकर ही पता चलेगा। लो तुम फोन लगाओ इसको। जी हाँ, मैं अदिति का पापा बोल रहा हूँ, जरा अदिति से बात करवाओ मेरी। जी हम हॉस्पिटल ही पहुँच रहे हैं। हाँ मैं भी रास्ते में ही हूँ। जी हॉस्पिटल पे ही मिलते हैं। एक काम करो, हॉस्पिटल की एंट्रेंस पे मिलते हैं। जी हेलो हेलो, कोई नजर नहीं आ रहा। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं अदिति का फादर, कहाँ तुम लोग? जी अंकल 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं। अरे तुम पहुँचे क्यों नहीं अभी तक? अंकल रास्ते में बस पहुँच ही रहे हैं। अच्छा मैं एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, अदिति कैसी है? अदिति एकदम ठीक है अंकल, बिल्कुल ठीक है, वो उसको आपके पास ही लेके आ रहे हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ राज? वो लड़का कह रहा था कि 5 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे। अरे लेकिन उसने कुछ बताया क्या हुआ, कैसे हुआ, वो ठीक है कि नहीं अदिति? उस लड़के ने अपना नाम तक नहीं बताया। नलिनी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राज 20 मिनट हो गए, फोन लगाओ जल्दी से, 5 मिनट बोला था उन्होंने। जी अंकल जी। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग 5 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल पहुँचने वाले थे, कहाँ हो तुम? वो हम अदिति को आपके घर की तरफ ही लेकर आ रहे हैं, वो कह रही थी कि उसे ठीक लग रहा है तो घर ले चले। क्या, तुम बात करवाओ मेरी अदिति से, अभी बात करवाओ उससे। वो बात नहीं कर सकती। क्यों बात नहीं कर सकती? उसको अभी गोली दी है तो सो रही है। हाँ तो जगाओ उसे, बात करवाओ मेरी उससे। आप एक काम कीजिए, आप घर की तरफ निकलिए, जब पहुँचेंगे तो अदिति आपको वहीं पर ही मिलेगी। हेलो हेलो, अब ये लड़का कह रहा है कि आदिति को घर ड्रॉप कर रहे हैं। अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं। The number you have called. और फिर फोन स्विच ऑफ है उसका। अरे लेकिन ये लड़का है कौन? मुझे नहीं पता, तुम बैठो घर चल के देखते हैं। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है क्या? हाँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ट्राई करो, ट्राई करते रहो। अच्छा आप अपनी चाबी से खोलो ना, सो रही होगी, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, जल्दी खोलो। अदिति, 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 अदिति बेटा, यहां भी नहीं है अदिति। हाँ? अंदर तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हो सकता है वो यहाँ पहुंचे ही ना हो। अब फोन लगाइए दोबारा से, जल्दी लगाइए। The number you have called is currently switched off. Switch off. राज, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी अदिति के साथ कुछ कुछ बहुत बुरा हो रहा है।
कुछ बहुत बुरा हो गया अदिति के साथ ना। सर अदिति अपना फोन साइलेंट पे ही नहीं रखती, स्विच ऑफ तो बहुत दूर की बात है। जिस लड़के ने आपको फोन किया था उसने आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया? नहीं सर, मैंने जितनी बार भी उसका नाम पूछा या तो उसने टाल दिया या फोन काट दिया। यंग सी आवाज थी। लेकिन फिर भी आपकी बेटी ने घर से निकलने से पहले आपको कुछ तो बताया होगा, वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है? जी नहीं सर, उसने बस इतना कहा था कि अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है। और मैंने उसके काफी फ्रेंड्स को फोन किया लेकिन वो किसी के साथ नहीं गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कोई बॉयफ्रेंड? एक था विजय त्रिपाठी। लेकिन 2 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। नलिनी जी, आप कह रही थी कि अदिति अपने पापा का कोट लॉन्ड्री में देकर जाने वाली थी। जी। तो आप लोगों ने लॉन्ड्री वाले से चेक किया? जी जी नहीं। पांडे, अदिति का फोन ट्रैकिंग पे डालो, क्राइम ब्रांच की मदद लो और कहो कि सेल फोन की दिन भर की ट्रैक रिपोर्ट तुरंत चाहिए। यस सर। हमें आपकी बेटी की एक तस्वीर चाहिए और बाकी डिटेल्स। और फिक्र मत कीजिए, हम सर्च ऑपरेशन तुरंत लॉन्च करेंगे। 21 साल की इकलौती बेटी दिन भर घर नहीं लौटती, रात भर घर नहीं लौटती, और कोई लड़का इन्वॉल्व था जिसने अदिति के फोन से उन्हें गुमराह किया था। ऐसे में मिस्टर एंड मिसेस पाठक से नींद काफी दूर थी और सुबह उससे भी दूर। उस रात को कानपुर पुलिस स्टेशन ने अदिति की तस्वीर और बाकी डिटेल्स शहर के सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दी। दूसरे दिन से तहकीकात शुरू हुई। सर, कांस्टेबल सुशील ने एनएम सिविल हॉस्पिटल के एंट्री रजिस्टर में 4 बार चेक किया है लेकिन अदिति नाम की कोई लड़की एडमिट नहीं है। हो सकता है किसी और नाम से एडमिट हुई। हॉस्पिटल स्टाफ को उसका फोटो दिखाया गया सर लेकिन किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। मतलब मिस्टर और मिसेस पाठक से बात करने वालों के इरादों में खोट है या फिर उनकी लड़की अदिति के इरादों में खोट आ गई है जो उस लड़के से बात करा रही है। हाँ साहब, अदिति आई थी मेरे पास, वो राजेंद्र साहब का कोट ड्राईक्लीन के लिए दिया और चली गई। यहाँ से फिर कहाँ चली गई? पता नहीं साहब। वो अकेली थी या उसके साथ कोई और भी था? अकेली थी साहब। तो सर, सोसाइटी के गेट के पास एक सीसीटीवी कैमरा है और दूसरा कैमरा वहाँ बिल्डिंग के कॉर्नर पर है। इन दोनों कैमराज की फुटेज मंगवाओ, सुबह 11 से 12 के बीच की। बोल दिया सर, सीडी बन रही है। विजय त्रिपाठी का क्या हुआ? अदिति का एक्स बॉयफ्रेंड फोन उठा नहीं रहा है लेकिन मैंने उसके नंबर पर मैसेज छोड़ दिया। जी, मुझे इस नंबर से एक मिस कॉल आया है और एक मैसेज भी। मैं विजय त्रिपाठी बोल रहा हूँ। विजय, मैं कानपुर से सब इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। क्या तुम कल अदिति के साथ थे? अदिति पाठक? अदिति पाठक? जी नहीं, मुझे तो अदिति को मिले हुए भी 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो कल कहाँ थे तुम? जी मैं मुंबई में, 8 महीने से कानपुर नहीं गया हूँ। मैं यहीं पर जॉब करता हूँ लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अदिति के साथ क्या हुआ है? गायब है। गायब मतलब? गायब मतलब मिसिंग। क्या तुम उसके किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जिससे हम बात कर सकते हैं? जी हाँ, मैं जानता तो काफी दोस्तों को हूँ लेकिन मुंबई आने के बाद मेरा टच छूट गया है। टच में तो हम ले आएंगे उन्हें। तुम एक काम करो, सारे नंबर से SMS कर दो। मैं अभी करता हूँ। ये देखो, ये लड़की लॉन्ड्री की दुकान में आई, वहाँ आके उसने कोट दिया, कोट देने के बाद ये निकले। सर, सोसाइटी गेट के राइट हैंड कॉर्नर पे जो CCTV है उसकी फुटेज से पता चलेगा। ये लड़की लॉन्ड्री की दुकान पे आई तो अकेली थी लेकिन किसी लड़के के साथ बाइक पे बैठ के जा रही। कदकाठी से तो यंग सा लगता है सर, उसका हम उम्र ही होगा लेकिन बाइक का नंबर क्लियर नहीं है सर। लेकिन बाइक की हेडलाइट के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है। नहीं सर, हम नहीं जानते ये हेलमेट वाला लड़का कौन है। लेकिन आपकी बेटी इसी लड़के के साथ गई है और पाठक साहब, हमें ये भी लगता है कि जो लड़का आपसे फोन पे बात कर रहा है वो लड़का यही है। सर, हमारी बेटी बहुत फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट है, हमने उस पर कभी किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं लगाई, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अदिति कहीं गई हो और उसने हमें बताया ना हो। राजेंद्र जी, हो सकता है कल से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा लेकिन कल ऐसा ही हुआ है।
हम सेल लोकेशन से पता लगा लेंगे कि ये लड़का आपसे कहाँ से बात कर रहा था। एक बार ये पता चल गया कि ये लड़का कहाँ है तो ये भी पता चल जाएगा कि आपकी बेटी अदिति कहाँ है। जी सर, आपने जो सीसीटीवी ग्रैब भेजा वो मैंने चेक किया। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं उस हेलमेट वाले आदमी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ विजय, सीसीटीवी इमेज से पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही एक सबूत है। तो अगर इस बारे में हमें थोड़ी सी भी हिंट मिल जाए तो अदिति को ढूंढने में बहुत बड़ी हेल्प होगी। सर काश मैं आपकी हेल्प कर सकता, लेकिन मैं उस आदमी को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। 1.5 साल हो गए मुझे और अदिति को अलग हुए, तब से पता नहीं उसने कितने दोस्त बना लिए होंगे। वैसे भी वो हमेशा फ्रेंड से घिरी रहती थी। अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो मुझे तुरंत बताना। जी बिल्कुल सर। Cheers! विजय के लिए, जो मुंबई जाके खूब सारे पैसे कमाने वाला है और आज का बिल भी भरने वाला है। मुंबई जाकर तुम हम सबको भूल मत जाना, स्पेशली अदिति को। रचना, तुम सब मिलकर ना मुझे विलन बनाओ, और अगर पता चला उल्टा हुआ तो मैं वहाँ मुंबई गया और यहाँ अदिति को कोई और मिल गया तो? ऑफ कोर्स, वो तो मिलना ही है। नहीं? So, no hard feelings, huh? Nope. Hard feelings का क्या? चार डालू मैं? वैसे यार अपने रिलेशनशिप का एक छोटा सा रिकैप तो बनता है। जैसे कि हाँ, अचानक 1 साल पहले विजय त्रिपाठी की गर्लफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया जाके शादी करके सेटल हो जाती है और फिर उसकी लाइफ में आती है एक हॉट एंड सेक्सी लड़की यानी कि अदिति पाठक। दोनों के बीच में एक घमासान अफेयर शुरू होता है, दोनों बहुत सारी मस्तियां करते हैं और फिर अचानक कहानी में एक नया मोड़ आता है। विजय त्रिपाठी चला जाता है मुंबई अपनी जॉब करने के लिए और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप एक ओपन रिलेशनशिप है तो दोनों के रिलेशनशिप में ना ही कोई गम होता है ना ही कोई दर्द होता है, लेकिन होता है तो बस ढेर सारी बेस्ट विशेस और ढेर सारी सेक्सी यादें। अब आगे 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 आई डोंट नो यार, व्हाटएवर। तुझे बॉम्बे जाना है, फ्रीडम चाहिए, नई गर्लफ्रेंड्स बनानी है तो आई डोंट नो। ऑफ कोर्स तू तो ऐसे बोल रही जैसे यहाँ पर तुझे कोई लड़का मिलेगा ही नहीं। तुझे पता है ना आधा कानपुर फिदा है तुझ पे। नो लाइक सीरियसली, आई मीन तू किसी लड़के से नॉर्मली मौसम की भी बात करे ना तो उसे लगता है कि हाय काश यही मेरी गर्लफ्रेंड होती। और वैसे भी तू तो थोक के हिसाब से लड़कों से बात करती है बाय द वे। तू जा बे, तू बॉम्बे जा और ऐश कर। एक मिनट, तू कहीं सेंटी तो नहीं हो रही ना? सेंटी? और मैं? वो भी तेरे लिए? तू मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता ना? या आई नो यू, तू कभी सेंटी वेंटी नहीं होती। तू जहाँ भी रहेगी खुश रहेगी। यस, जहाँ भी रहेगी कूल रहेगी। राइट राइट। सर, क्राइम ब्रांच ने अदिति का सेल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स भेजे हैं। क्या लोकेशन थी अदिति के फोन की? लोकेशन 1 अदिति का घर, उसके बाद अंजुमन चौक जहाँ वो लॉन्ड्री की शॉप है, फिर गंगानगर, उसके बाद कानपुर लखनऊ हाईवे, फिर वापस गंगानगर। हो सकता है गंगानगर में उसका कोई दोस्त रहता हो, या ये भी हो सकता है कि वो बाइक सवार गंगानगर का ही रहने वाला हो। सर दिन भर में अदिति के नंबर से कई सारे नंबर्स पे कॉल किए गए, लगता है सभी उसके दोस्त हैं। सभी को थाने बुलाओ, 2 दिन होने को आए हैं अदिति को गायब हुए। ये लड़की खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है या कोई हमें गोल गोल घुमाने की फिराक में है? किसी गुमशुदा बच्चे के लौटने का इंतजार एक खंजर की तरह होता है जो एक तरफ यादों को चीरता है और दूसरी तरफ भविष्य के भी खौफनाक टुकड़े कर देता है। अदिति के माँ बाप ना चाहते हुए भी इन मायूस ख्यालों के दलदल में धंसते जा रहे थे। अदिति के 40 से भी ज्यादा दोस्तों की पूछताछ की गई, पर उनमें से किसी ने भी ये नहीं बताया कि अदिति कहां हो सकती है या किसके साथ गई होगी। बस एक लड़का था जो जानता था कि अदिति कहां थी और किस हाल में थी, पर उस तक पुलिस अब तक पहुंच नहीं पाई थी। अदिति हवा हो गई थी या फिर कुछ और हो गई थी? 2 दिन हो गए थे और अदिति की कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन दूसरे दिन की रात को यह सस्पेंस खत्म हो गया और खुला एक खौफ का पिटारा। कुछ ऐसा सामने आया जो अविश्वसनीय था, शॉकिंग था।
शाम के वक्त एक आदमी इस रास्ते से गुजर रहा था, यहाँ पड़े कुछ बैग्स पर उसने खून देखा, उसे लगा कुछ गड़बड़ है इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। क्या करो क्या इसमें? साहब सब बॉडी पार्ट्स है पर सर नहीं है। किसी औरत के बॉडी पार्ट्स लगते हैं, कोई जवान लड़की भी हो सकती है। लगता तो ऐसा ही है सर। हेलो सर, हनुमान चौक से कॉल आया था। किसी ने देखा कि कुत्ते पॉलिथीन में लिपटी हुई किसी चीज के लिए लड़ रहे थे। एक टीम थी वहां पे, उन्हें पता चला किसी का कटा हुआ सर है, एक लड़की का सर है सर। ठीक है सर, हनुमान चौक में किसी लड़की का कटा हुआ सिर मिला है। हो सकता है सर ये बॉडी और वो सिर दोनों एक ही लड़की के हों। चलो चलते हैं, इन बॉडी पार्ट्स को हॉस्पिटल भिजवा दो। सर 99% उसी लड़की का सर है, आदिति पाठक जो गायब है। लो लो इधर लो। देखिए हालांकि लाश के टुकड़ों को सी दिया गया है पर फिर भी हालत बहुत खराब है। हमें देखना है। ये एक एंटीमार्टम किलिंग है। जब बॉडी को काटा जा रहा था विक्टिम जिंदा थी। पॉसिबिलिटी है पहले विक्टिम का गला दबाया गया जिस वजह से विक्टिम बेहोश हो गई, उसके बाद एक एक करके विक्टिम के अलग अलग बॉडी पार्ट्स काट दिए गए जिसके कारण विक्टिम की मौत हो गई। और कुछ? सेक्सुअल एक्टिविटी भी हुई थी। टाइम ऑफ डेथ? 24 से 28 घंटे पहले। मतलब कल दोपहर या शाम को? जी इंस्पेक्टर। सीसीटीवी फुटेज में बाइक के नंबर प्लेट के सिर्फ UPJ ये अक्षर दिखाई दे रहे थे। कानपुर शहर में UPJ इन तीन अक्षरों वाली सभी बाइक्स की लिस्ट बनाई गई और उन सभी के मालिकों से पूछताछ हुई। पूरे 3 दिन 2400 घंटे पुलिस ने अपने हर मुमकिन सोर्स के थ्रू उस बाइक को ट्रेस करने की कोशिश की जिस पर अदिति उस हेलमेट वाले लड़के के साथ गई थी। एक जवान लड़की की इस तरह की भयंकर हत्या ने पूरे शहर के रोंगटे खड़े कर दिए थे और पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। अदिति के गायब होने के 5 दिन बाद और उसकी टुकड़ों में कटी लाश मिलने के 4 दिन बाद एक बहुत ही अजीब तरीके से कानपुर पुलिस अदिति के हत्यारे तक पहुंच गई।
स्टिकर है बाइक पर? नहीं सर, बाइक पे स्टिकर तो नहीं है, लेकिन यूपीजे लिखा हुआ है और बाइक बिल्कुल वैसी है, तो मुझे लगा कि पूछताछ कर लेनी चाहिए। सर यही बाइक। सर काफी मिलती जुलती है। बाइक यहाँ खड़ी है तो इसका मालिक भी घर पे ही होगा। जी ये बाइक तुम्हारी? हाँ। अदिति पाठक को जानते थे? कौन अदिति पाठक सर? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? टीवी न्यूज में तो देखा होगा, वही लड़की जिसकी लाश टुकड़ों में मिली थी। ओह हाँ सर, सुना था मैंने, पर मैं उस अदिति पाठक को नहीं जानता हूँ सर। सर बाइक पे यहाँ पर स्टिकर था, लेकिन लगता है कि इसे हाल ही में निकाला गया है। नाम क्या तुम्हारा? अभय। अभय क्या? अभय वर्मा सर। तुम्हारी बाइक पे यहाँ एक स्टिकर था, कहाँ है वो स्टिकर? सर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ सर, मैं किसी अदिति पाठक को नहीं जानता, ना ही मैं कभी उससे मिला हूँ, ना कभी देखा ना कुछ। ये स्टिकर कैसे निकला मुझे नहीं पता सर। अरे सर, सर हदे, आप अंदर का घुसे चले जा रहे सर, पुलिस वालों तो क्या हो गया, आप लोग अंदर नहीं घुस सकते ऐसे। सर मैं आपको बोल चुका हूँ मैं किसी अदिति पाठक को नहीं जानता। अरे छोड़ो सर प्लीज मुझे। सर ऐसे सर वो मेरा सामान है घर का, आप ऐसे थोड़ी बिगाड़ सकते उसको। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर रुकिए सर, उसको खराब कर देंगे सर सब कुछ। आप मेरा सर मेरी किताबें तो छोड़ दीजिए सर, वो मेरे पढ़ाई की किताबें सर। अरे सर सर क्या कर रहे हैं, उसको देखिए सर वो गिर जाएगा सर वहां पे सब। सर देखिए मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूं सर, आप लोग महेश। जी सर। अभय वर्मा, तुम अदिति पाठक को जानते थे, तुम ये भी जानते थे कि उस दोपहर को वो कहां गई थी? बिल्कुल जानता है सर, ये वही हेलमेट है। सर ये देखिए, सच कहूं तो तुम्हारा चेहरा देखकर घिन आ रही है मुझे। अब जल्दी बोलो कि तुमने अदिति को क्यों मारा, वरना तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम्हें खुद से घिन आने लगेगी। वो मतलब मैं बहुत सीरियस था अदिति के लिए। 2 साल से हम लोग साथ में थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। मिले कैसे? उसके बॉयफ्रेंड ने मिलवाया था, विजय त्रिपाठी। तो मतलब तुझे उसकी याद नहीं आएगी कभी, तू उसको मिस नहीं करेगा? इंसान है, यादें हैं तो आएंगी, लेकिन वैसे एक बात कहूं, इतनी भी कोई याद नहीं आएगी। एक्चुअली ना मैंने और अदिति ने पहले ही डिसाइड किया था कि हमारे बीच जो भी था ना, अब वो नाम के लिए भी नहीं होगा। यू नो जब तक जो भी था, जैसा भी था अच्छा था, लेकिन अब नहीं है। अब अपने अपने रास्ते जाओ, अपनी अपनी जिंदगी जियो। मैं अदिति को पहले भी विजय के साथ कई बार मिला था, और उसी के फोन से मैंने अदिति का नंबर चुराया था और फिर कॉल कर दी। फिर फ्रेंडशिप हुई, अच्छी फ्रेंडशिप दोनों तरफ से, और फिर लव हुआ मेरी तरफ से। पर उसकी तरफ से नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है सर, दोस्ती में कोई फिजिकल थोड़ी होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमारे बीच में कई बार हुआ। उसके बाद कहती है, कहती प्यार नहीं है।
अदिति, ये ऐसी कैसी चैटिंग कर रही हो तुम? ऐसी चैटिंग कैसी होती है? ऐसी मतलब ये अडल्ट चैट, ये वल्गर जोक्स और ये नॉनवेज जोक्स? व्हाट डूड, रिलैक्स. ओके, जब मेरे मॉम डैड कूल हैं इन सब जोक्स से तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये फेयर नहीं है अदिति, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें. क्या फेयर नहीं है? ये जो रैंडम लड़के तुमको अडल्ट जोक्स भेजते, तुम उसको स्माइली और थम्स अप करके रिप्लाई करती हो. तो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ लड़कों को मजा आता है क्या? हाउ डेयर यू. अभय, मेरा फोन वापस दो. मेरा फोन कोई छूता नहीं है, फोन वापस दो प्लीज. ये राजेश, ये विक्रम, ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? ये मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप है एंड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. ओके, जस्ट गिव इट बैक. ये चैट करती हो ना तुम? हाँ, इतना वल्गर, इतना भद्दा. एक्सक्यूज मी, ये जोक्स मैंने बनाए नहीं है समझे. ये जोक्स फॉरवर्ड होते हैं और हम सिर्फ शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं समझे. ये लल्लू जैसे क्या बात कर रहे हो तुम? और ये भी जोक है ना? हाँ, मेरे ऊपर जोक होगा. दूसरे लड़कों के साथ सेल्फीज, बॉयफ्रेंड मैं हूँ तुम्हारा और सेल्फीज दूसरे लड़कों के साथ खिंचाती हो तुम. क्या माजरा है दीदी, तुम इतना भी लल्लू मत समझना मुझे. भाई, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा समझे. एक तो मेरी प्राइवेसी इन्वेड करते हो, ऊपर से हर चीज में अपना एक मैं घुसा देते हो, चीजों को पर्सनली लेते हो. इनसिक्योर हो तुम समझे. इनसिक्योर हूँ मैं? हाँ, तो उसका मतलब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ? बॉयफ्रेंड ठीक से बने नहीं हो समझे, और पतियों जैसा बिहेव कर रहे हो. बॉयफ्रेंड भी ठीक से बने नहीं हो का क्या मतलब है दीदी? हाँ, 20 मिनट पहले हम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है. प्लीज ये फिल्मी डायलॉग्स मत मारो कि इस रिश्ते का नाम क्या है और ये सब. मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे सीरियस नहीं होना है. ओके, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करती हूँ और तुम भी करो. तुम आम खाओ ना यार, पेड़ क्या गिन रहे हो? अदिति, मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ. आई रियली लव यू अदिति. प्लीज यार, मैंने तुम्हें फर्स्ट डेट पे ही बोला था कि मुझे सीरियस होना ही नहीं है समझे. मैं सीरियस नहीं होना चाहती, मैं उस टाइप की हूँ ही नहीं. और अगर मुझे सीरियस होना भी है तो तुम्हारे साथ. कम ऑन, तू क्या इतने टाइम से मजाक कर रही थी क्या मेरे साथ? हाँ? अबे लीव मी. तेरे को क्या लगता है मैं मजाक करने के लिए हूँ क्या? अबे लीव. मैं तेरे को बताऊंगा सीरियस क्या होता है. हाँ? मैं बताऊंगा तेरे को सीरियस क्या होता है. अबे लीव मी. सीरियसनेस मैं तेरे को दिखाऊंगा. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. प्यार को क्यों नहीं समझती हूँ तुम? मेरे प्यार को क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारे बगैर नहीं जा पाऊँ. मेरे फोन में उसका नाम कुमार के नाम से सेव था और उसके फोन में मैं मनीष. वो मुझे दुनिया से छुपाती थी. जब दिल किया फोन किया, आ गई. हम फिजिकल होते फिर वो चले जाते. प्यार का नाम तक नहीं लेती थी. उस दिन भी उसी ने फोन किया था? खुद आई थी? जी नहीं, जब से उसकी माँ ने उसको मना किया था तब से हम फोन पे नहीं बात करते थे. सिर्फ चैट पर ही मैसेज से बात होती थी, जो भी होती थी. उस दिन भी मैंने उसको चैट पर ही मैसेज करके बुलवाया था, उसको पिक भी किया था. मुझे हमारे बारे में बात करनी थी, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में. लाइफ के बारे में बात करनी थी और उसकी लाइफ ही ले ली. लेकिन मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था. मैं तो उसे प्यार करता था. लेकिन उसने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि बस मैंने उसे मार ही दिया. और उसके माँ बाप को पागलों की तरह यहां से वहां जो घुमाया, कोई इरादा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इरादा नहीं था, कोई सोच नहीं थी. बस सब ऐसे ही हो गया गुस्से में. नहीं सर, मैं डर गया था. मैं बहुत डर गया था कि अब क्या करूं, उसकी उसकी बॉडी का क्या करूं. इसलिए मैं झूठ पे झूठ बोल रहा था, फोन काटे जा रहा था. उसकी बॉडी को कहां काटा?
अदिति का पापा बोल रहा हूँ, जरा अदिति से बात करवाओ मेरी। जी हॉस्पिटल पे ही मिलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन जैसे मैंने उसे काटना शुरू किया उसकी बॉडी गर्म थी, खून गर्म था उसका। तुमने जब उसे काटना शुरू किया तुम्हें पता था कि वो जिंदा है, फिर भी तुम नहीं रुके। सर बहुत देर हो चुकी थी सर, मैंने उसे काटना शुरू कर दिया था। तुमने एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि तुम्हें लगा वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है, तुम्हें लग रहा था वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, लेकिन जिंदगियां तो तुमने बर्बाद की, तुमने अदिति के मां बाप की, अपने मां बाप की और खुद अपनी। क्या नाम बताया आपने? जी अभय वर्मा। मामा ये अभय है। नमस्ते। I'll just get ready and come, okay? मैंने अदिति से कहा भी था, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर अलग अलग नाम से सेव किया था ताकि आपको शक ना हो। उस लड़के ने मेरी बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो उसको लेकर सीरियस नहीं थी। जी उस लड़के का तो यही कहना है, उसका कहना है कि उसे इस बात से चिढ़ थी कि अदिति अपने दूसरे मेल फ्रेंड्स के साथ फोन पर अडल्ट जोक शेयर करती थी और उसे अदिति की दूसरे लड़कों के साथ दोस्ती पसंद नहीं थी। मुझे भी ये बात पसंद नहीं थी, कई बार समझाया था उसको। नलिनी जी आप उसकी माँ हैं, आपके मन में फिक्र थी लेकिन उस लड़के के मन में जलन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जानती हमारी हो, मैंने उसे पूरी आजादी दी थी ताकि अपनी जिंदगी खुल के जिए, वो इतना चाहते थे अपना ध्यान रखे। पाठक साहब आपके इरादे नेक थे और वैसे भी बच्चों को आजकल थोड़ी आजादी और पर्सनल स्पेस देना जरूरी है, आपने वही किया और आपकी बेटी ने भी उस आजादी का कोई गलत फायदा नहीं उठाया। हाँ वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, वो किसी से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करके वो किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही थी। शायद अदिति को इतना बेपरवाह, इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। नहीं लल्ली जी मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए गलती अदिति की नहीं है, गलती उस अभय वर्मा की है जिसने अपनी जलन मिटाने के लिए जुर्म का सहारा लिया, संगीन जुर्म का। हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि अदिति को अभय वर्मा की तरफ से थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। ऐसा क्यों किया तूने? ऐसा क्यों किया? पता नहीं मां, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। अरे तूने किसी की जान ले ली है और वो भी इतनी इतनी भयानक तरीके से। तुमने एक लड़की को नहीं काटाया भाई, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो जुर्म के कमरे जो तू इकट्ठा कर रहा था अखबार फाड़ फाड़ के, वो सब इसके लिए था ना? जिस दिन अभय ने अदिति का कत्ल किया था उस शाम को वो अपने एक दोस्त को शराब पीने ले गया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि उसे उस कत्ल के बारे में कुछ मालूम नहीं था, अभय ने कोई जिक्र नहीं किया और ना ही अभय के बर्ताव में कोई फर्क था। अभय पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। इस वक्त उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और इस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। हमारे समाज में अक्सर जब किसी औरत के साथ कोई संगीन जुर्म होता है
तो उसके चरित्र पर सवालिया निशान लगाए जाते हैं। उसके आचरण, उसके कपड़े, उसका दौड़ना, उसका हंसना, खाना पीना, खेलना जीना, हर चीज पर टिप्पणियां होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा करना ना सिर्फ आधे जन सामान्य की बहुत बड़ी तौहीन है, बल्कि पूरे जन सामान्य को सदियों पीछे ले जाता है। असल में समाज के माइक्रोस्कोप के नीचे उसे लाना चाहिए जो औरतों के प्रति संगीन जुर्म करता है। स्त्री पुरुष के रिश्तों में जलन, पजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, ये स्वाभाविक इमोशंस हैं। लेकिन इनसे निपटने के लिए जुर्म का सहारा लेने की प्रवृत्ति को सख्ती से रोकने की जरूरत है। बेहद दुख की बात है कि एक जवान लड़की को इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ी। उसे प्यार से बड़ा करने वाले माँ बाप कैसे भर पाएंगे इस जख्म को, इस खालीपन को? क्या अदिति को दी गई आजादी कुछ ज्यादा थी? कतई नहीं। एक लड़की की व्यक्तिगत आजादी, मर्जी, फैसला लेने की ताकत एक विकृत संकुचित दिमाग के डर से कैसे तय हो सकती है? क्या यह अन्याय नहीं है सारी औरत जात के प्रति? आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख पूरे देश को। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।